बेवजह खुश रहना सीखिए, क्योंकि वजह बहुत महंगी हो सकती है। खुश रहने की कोई वजह ना हो तो भी खुश रहिए, क्योंकि ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा है प्रसन्नता। मानव का शरीर मिला है, इसलिए कुछ है या नहीं है, खुश रहिए। खुश रहना ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, इसलिए खुश रहिए। हर हाल में खुश रहिए। स्थितियाँ अनुकूल हों प्रतिकूल हों, आपके हिसाब से हो रहा हो ना हो रहा हो, ये समझो कि जो हो रहा है वो भगवान के हिसाब से हो रहा है, और अपने हिसाब को भगवान के हिसाब में जोड़ दो और आप खुश रहो। जैसे भगवान श्री कृष्ण हर मंदिर में आपको मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, आप भी मुस्कुराया करिए।